हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौहान, ENT सर्जन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चंपावत। आज मैं OPD में बैठा था तो मेरे सामने एक 65 साल के बुजुर्ग बाबा आए और मुझसे आके बोले, डॉक्टर साहब, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, नाक से बार बार खून आ रहा है, कभी आता है फिर रुक जाता है, फिर अचानक कभी आ जाता है फिर रुक जाता है। सीधी तरफ से नाक मुझे थोड़ी बंद लग रही है, पर उतनी ज्यादा भी बंद नहीं है। पर जो मुझे सबसे ज्यादा तंग कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरे नाक के अंदर कुछ चल रहा है या मेरे नाक के अंदर कुछ है, और थोड़ा पानी जैसा भी मेरे नाक में से निकल रहा है। तो मैंने बाबा जी को हेडलाइट की मदद से एग्जामिन किया और देखा तो बाहरी रूप से एग्जामिनेशन करने पर मुझे ऐसा कोई कारण नजर आता प्रतीत नहीं हुआ, परंतु जब मेरे समझाने पर भी पेशेंट ने मुझे ये बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नाक में कुछ है, तो मुझे लगा मुझे पेशेंट की बात को रखते हुए इसको OT में ले जाकर हमें इसको एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो हम पेशेंट को OT में ले गए। पेशेंट को हमने पहले नेजल डिकंजेस्ट किया, नाक को थोड़ा सुन किया और नाक को एंडोस्कोप डाल के हमने एग्जामिनेशन किया। जैसे ही हमने अपना एंडोस्कोप पेशेंट के नाक के अंदर डाला तो हमने देखा, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं, पेशेंट के नाक के पिछले हिस्से में एकदम साइनसिस के पास हमें एक जोंक दिखाई दी, जिसको बहुत मुश्किल से, क्योंकि वो एकदम चिपकी हुई थी और उसने अपने दांत उसमें गड़ा रखे थे, तो उसको निकालना बहुत टफ था और वो ऐसी जगह पे जाके फंस गई थी कि जहाँ पे उसको देख पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। परंतु हमने एंडोस्कोप की मदद से तथा बहुत फाइन फॉर्सेप की मदद से उसको पकड़ने की कोशिश की, पर बार बार पकड़ने पर भी हम वहाँ बहुत मुश्किल से पहुँच पाए। बट जब हमने नाक को थोड़ा और डिकंजेस्ट किया तो हम उसे आसानी से बाहर निकाल पाए, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। बाहर निकालने के बाद जैसा कि हम देख सकते हैं, जो है ऑलमोस्ट जो है काफ़ी हद तक ब्लड सक करने की वजह से काफ़ी साइज में बड़ी हो गई थी, ठीक है, तथा जिंदा होने की वजह से वो बार बार पीछे चली जा रही थी, तो इस वजह से हम उसको फॉर्सेप की मदद से बहुत आसानी से नहीं पकड़ पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने उसको बाहर निकाला, बाबा के जो सारे लक्षण थे उनमें से सर दर्द, नाक बंद होना तथा कुछ चल रहा है, इन लक्षणों में बाबा को तुरंत आराम आया और अब बाबा बिल्कुल ठीक हैं और हमने उनको दवाइयों पे छुट्टी देकर घर भेज दिया।